मध्य प्रदेश के नीमच जिले में भाजपा की जनआशीर्वाद यात्रा पर पथराव के पीछे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कांग्रेस का हाथ होने का संदेह जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पत्थरों की बात पहले से बोल रहे थे। चौहान ने इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निकाली जा रही जनआशीर्वाद यात्रा के दौरान भाजपा को मिल रहा जनसमर्थन देखकर कांग्रेस बौखला गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पत्थरों की बात पहले से कह रहे थे और उनकी यह बात कई संदेह पैदा करती है। चौहान ने कहा कि जनआशीर्वाद यात्रा पर मंगलवार रात हुए पथराव की जांच के निर्देश दिए गए हैं और इस घटना के पीछे जिन लोगों का हाथ है उन पर कार्रवाई होगी। मैं कांग्रेस से इतना ही कहना चाहता हूं कि उसे इस तरह के हथकंडों से सफलता नहीं मिलेगी। वे कुछ भी कर लें, भाजपा भारी बहुमत से आगामी विधानसभा चुनाव जीतेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सूबे की राजनीति हमेशा से शालीन रही है और कांग्रेस निचले दर्जे के हथकंडे न अपनाए।